सीओ की कंडीशन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है दोस्तों। माशाल्लाह ऑलमोस्ट जो है ये भी तैयार हैं, एक दो तीन चार बच्चे तो हैं, ये मसूरी तौर पे पांच होने चाहिए थे। एक ये भी बैठा है दोस्तों, एक दो तीन चार, फिलहाल चार ही नज़र आ रहे हैं। और इस तरफ से मैं ज़रा तंग हूँ, इतना मुश्किल है, चीज़ भी लगी है, वो आपको जो नज़र आए आप देखें। माशाल्लाह मुझे तो एक दो तीन चार नज़र आ रहे हैं, बाकी आप लोग चेक करें, ये मटकी में है ही नहीं परिंदे। जी हाँ दोस्तों, इधर देखना होगा, पांच अंडे आए थे यहाँ पर, वो ख़राब हुए होंगे ऑलमोस्ट, देखते हैं आप, नहीं नज़र आ रहे।
दोस्तों अब अंदर जाके दोबारा एक बार देख लेते हैं, आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाई जाती है, वरना बार बार झांकने से ब्रीथिंग रिजल्ट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसमें न्यू अंडे इसमें नहीं आ रहे मेरा ख्याल है। ऊपर की तरफ जाते हैं, चेक तो करेंगे हम। ये पट्ठे भी 1 2 3 4 5 पट्ठे, ये मेरा ख्याल है अगले हफ्ते उतरेंगे, अभी टाइम लेंगे। और इस तरह देखते हैं अंडे आए हैं या नहीं आए हैं। माशाल्लाह अंडे आए हैं, तो 3 और 3 6 अंडे, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें देखना होगा कि अंडे आए हैं नहीं है नहीं, तो बच्चे अंडे तो मुझे पुराने लग रहे हैं। चार बच्चे तैयार हैं और ये बच्चा कूद आया। से बर्ड सारे निकल चुके हैं, और इसमें चिक्स हैं जो कि निकलेंगे अभी। और इधर देखा होगा 5 अंडे हैं, तो मतलब ये है कि इधर अभी तक अंडे नहीं आए हैं। और इधर चिक्स हैं निकल चुके हैं, लेकिन ये वैसे ही अभी अंदर गए हैं। दोस्तों पट्ठे जो हैं वो सेल्फ हुए हुए हैं, ऑलमोस्ट सेल्फ, मतलब सेल्फ तो नहीं खैर कहूँगा, लेकिन मटकियों से उतर चुके हैं। जो फर्जी तौर पे जो मटकियों के अंदर घुसते हैं वही हैं। नीचे की कंडीशन आपको दिखा देता हूँ, पहले ये डफ के पेयर हैं जो कहीं करीब जाने वाले हैं। ये पट्ठा एक नीचे आ चुका है और अब मटकियों का रुख करते हैं। अब मेरा ख्याल है कि वो फ्रेश अंडे यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। ज़रा भी कुछ नहीं आया, तो ये 5 अंडे आएंगे। ये देखिए 4 अंडे हैं, देखो इसमें भी ख़राब हो रहे हैं, ये देखें आप। तो बल्ब लग गया, खैर अब 2 बल्ब हैं, एक ये लगा हुआ है एक ये लगा हुआ है, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आ जाएंगे। अगर दिखाऊँ आपको ये देखो पट्ठे बैठे हुए, और ये अंडा भी आया हुआ है। पता नहीं किस पेयर का अंडा होगा, फ्रेश होगा नहीं होगा।